85% बहुजन समाज के लोग आज बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। वहीं हमने पूरी टीम ने, हमारी एसएम न्यूज की पूरी टीम ने एनालिसिस करा और जगह जगह फोनों से अपने प्रतिनिधि भेज के, अपने पत्रकारों को भेज के, या जो जो हमें रिपोर्टिंग्स देखते हैं, जो लोग हमें लाइक शेयर पसंद करते हैं, उनके फोन हमें वहां पर आए। और यही नहीं, फोनों पे ही नहीं, हमने व्यक्तिगत तौर पर भी जाकर लोगों से पूछा कि यहाँ पर किसकी सरकार बनने जा रही है। तो हम आपको बताते हैं ताजे आंकड़े जो आज अभी तक कोई भी चैनल नहीं दिखा रहा है, वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। जहां जहां से बहन कुमारी मायावती चुनाव लड़ने वाली हैं, वहां पे क्या क्या रिपोर्टिंग रहेगी, वहां पे कितनी सीटें बहन कुमारी मायावती जीत पाएंगी, आज हम इसका विश्लेषण आपके सामने रखते हैं। हमारी पूरी टीम ने कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा आपको सही आंकड़े दें, लेकिन हम लोग एक चीज और बता दें कि यह आंकड़े फोन पे और हमारे पर्सनल विजिट से जाके मिले हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि यह सच नहीं है, लेकिन सच से बहुत दूर भी नहीं है और बहुत नजदीक है बहन कुमारी मायावती इसके पास। आइए देखते हैं। हमारी पहली वीडियोस के अंदर आप देख चुके हैं कि बहन जी ने 38 सीट उत्तर प्रदेश से लड़ने का फैसला किया है और 37 सीट दी हैं सपा को। इसमें से कितनी वो जीत पाएंगी और कितनी सपा जीत पाएगी, इस पे एक नजर डालते हैं। सपा और बसपा की कुल सीटों को मिला के लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर 60 से भी ज्यादा सीटों पर विजय हो रही है बसपा और सपा। लगभग 35 से 37 सीटों के बीच में बसपा अकेली अपने जहां जहां से उम्मीदवारों को लड़ाएगी, वहां से उनका विजय होना सुनिश्चित हो गया है। राजस्थान के अंदर कम से कम 4 सीटें बसपा के खाते में आने वाली हैं, क्योंकि अभी जो चुनाव हुए थे उसके अंदर भी दूसरी पोजीशन पे बसपा रही थी। बसपा जीत की नजदीकी के बिल्कुल पास है। मध्य प्रदेश के अंदर जैसे बहन कुमारी मायावती का जन प्रचार चल रहा है और वहां से जो रिपोर्टिंग्स आ रही हैं, उस हिसाब से लगता है कम से कम 4 से 5 सीटें लगभग आनी तय है वहां से। एमपी और छत्तीसगढ़ के अंदर एससी एसटी ओबीसी और दलित आदिवासी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और वहां पर उनको अब ये बात समझ में आ गई है कि बिना बहन कुमारी मायावती के हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। तो उन्होंने भी अपनी सोच को बना लिया है कि अब हमें वोट कहां पर देना है। इसको नजर देखते हुए बहन जी भी वहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आने वाली हैं। बिहार का जो गठबंधन हुआ है वो भी बहुत अच्छे से नजर आ रहा है और आरजेडी वगैरह जितनी भी पार्टीज हैं सारी मिलकर बसपा को अच्छे से समर्थन कर रही हैं। उन सबको देखते हुए लगता है, यहाँ तक कि हरियाणा के अंदर भी बहुत अच्छा समीकरण बन रहा है बहन कुमारी मायावती का। अगर दिल्ली पे नजर डालें तो दिल्ली के अंदर भी अरविंद केजरीवाल बसपा को समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो भी बीजेपी की रणनीतियों को काफी ज्यादा खराब करने पे लगे हुए हैं। बीजेपी को अच्छे से एक्सपोज कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और बसपा को और गठबंधन को ज्यादा मजबूती दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अब देखना यह है कि 2019 के इलेक्शन के अंदर कितना कमाल कर पाता है गठबंधन। अगर सभी गठबंधनों पे नजर डालें तो बहन जी करीबन 70 से 80 सीट लेकर आने का उनका पूरा लक्ष्य सुनिश्चित है। जिस हिसाब से गठबंधन चल रहा है उससे कहीं ज्यादा भी इसमें आ सकते हैं। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट। ऐसे ही ताजा खबरों पे नजर बनाए रखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन खबरें पहुंच सके आप पर सबसे पहले।